अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक और नया टॉपिक चैप्टर नंबर 3 से। और टॉपिक हमारे पास है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको पहले इसको शुरू करने से पहले आपको मैं बताता चलूं कि जो आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न जो एरा है, इसमें हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। लेकिन पुराने दौर में ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाया गया था, फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाया गया था। उस टाइम पे लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, लोग समझते थे कि दुनिया में सिर्फ दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, या तो प्लांट्स है या तो एनिमल्स है। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर लोगों को पता चला कि इनके अलावा ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो ना तो प्लांट से मैच कर रहे हैं ना तो एनिमल से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इन थ्री किंगडम्स को भी पढ़ेंगे, फोर को भी पढ़ेंगे, फाइव को भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये इतना एग्ज़ाम के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये हिस्ट्री के हवाले से पढ़ना पड़ेगा। हमें पता चले कि पहले क्लासिफिकेशन किस तरह हुई थी और आज की क्लासिफिकेशन किस तरह हम पढ़ रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पुराने दौर में जानदारों को दो किंगडम में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। मतलब जिन जानदारों के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो वो हमारे पास प्लांट्स कहलाएंगे और उनको ग्रुप में रखा जाएगा, जिसको हम कहेंगे प्लांट किंगडम्स। और जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होगी तो उनको हम ग्रुप में रखेंगे और उस ग्रुप को कहेंगे एनिमल किंगडम। तो यहाँ पर मैंने दो ग्रुप्स लिखे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, एक हमारे पास है प्लांट किंगडम और एक है एनिमल किंगडम्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा और भी करेक्टरिस्टिक्स है जो प्लांट्स और एनिमल में अलग डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो हमारे पास कैरेक्टर जो मेन है वो है सेल वॉल। तो आपको पता है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट के अंदर जो है ना प्रेजेंट होती है और एनिमल के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, वो आज भी हमें पता है कि प्लांट के अंदर जो है ना सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल के अंदर जो है ना एब्सेंट है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है लोकोमोशन। अच्छा, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? एक होता है मूवमेंट, हरकत। मतलब कोई इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है या हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज आती है, उसके खिलाफ हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, वो तो मूवमेंट है। ठीक है, हाथ हिलाना या जबान हिलाना, आंखों को हिलाना, तो ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट है। लेकिन लोकोमोशन जो है ना उसको हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे कि एनिमल करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, लोकोमोशन। और जाहिर सी बात है कि प्लांट तो मूवमेंट करते हैं लेकिन लोकोमोशन नहीं करते। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन एब्सेंट है और एनिमल के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, प्लांट लोकोमोशन नहीं करते, लेकिन हाँ ये बात जहन में याद रखनी है कि प्लांट मूवमेंट करते हैं। जैसे कि प्लांट मूवमेंट करते हैं या तो ग्रोथ की शक्ल में करते हैं या डेवलपमेंट की शक्ल में करते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि हमारे पास टच मी नॉट प्लांट है। टच मी नॉट प्लांट को जैसे हम टच करते हैं तो अपने लीव्स को वो कोलैप्स कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो है ना लोकोमोशन शो नहीं करते लेकिन मूवमेंट शो करते। तो मैंने यहाँ पर लोकोमोशन के लिए प्लांट में क्या लिखा है, एब्सेंट, और प्लांट में एब्सेंट लिखा और एनिमल में प्रेजेंट लिखा है। थर्ड हमारे पास है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब गिजाइत, के मतलब ये अपनी गिजाइत कैसे हासिल करते हैं। हम आज भी जानते हैं कि प्लांट्स के पास जो ना क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं और एनिमल की बॉडी में वो एब्सेंट होते हैं। तो इस वजह से प्लांट क्लोरोफिल की मदद से अपनी गिजा खुद बनाते हैं। ठीक है, और एनिमल अपनी गिजा खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। मतलब तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्लांट डू नॉट ईट, ये खाते नहीं है, मतलब ये अपनी गिजा खुद बनाते, तो उनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो एनिमल है ना ये ईट, मतलब ये खाते हैं और ये हीटरोट्रॉप्स होते हैं और ये ऑटोट्रॉप। ऑटो का मतलब ये होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो मतलब ये अपनी न्यूट्रिशन खुद तैयार करते हैं। और यहाँ पर हेट्रो है, हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो मतलब एनिमल जो है ना अपनी गिजा खुद नहीं तैयार कर सकते, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा डिफरेंस था। चौथा हमारे पास डिफरेंस है स्टेम्यूलाय। स्टेम्यूलाय का मतलब रिस्पॉन्स टू द स्टेम्यूलाय। स्टेम्यूलाय का मतलब होता है चेंज, इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आना, जैसे टेम्परेचर का चेंज हो जाना, जैसे कि लाइट का चेंज हो जाना, जैसे अंधेरा हो जाता है फिर मॉर्निंग में रोशनी हो जाती है, तो ये चेंजेस है और इनको हम बायोलॉजी में कहते हैं स्टेमुलस, और इसका प्लूरल है स्टेम्यूलाय। ठीक है, तो प्लांट रिस्पॉन्स तो करते हैं, आपको पहले बता चुका हूँ कि प्लांट भी मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते, लेकिन ये बहुत स्लो रिस्पॉन्स करते हैं। और एनिमल जो है ना बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि कोई गर्मी लग जाए, ठीक है, या कोई गर्म चीज़ पे हाथ लग जाए तो हम डायरेक्ट क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, इस तरह प्लांट नहीं कर सकते।
उसके बाद हमारे पास डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्टाइल एंड कंडक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होना फिर रिलैक्स होना। जैसे हमारे बॉडी में मसल्स है और आप जानते हैं कि हमारे जो मसल्स है जैसे कि स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, मसल में अल्लाह ने एबिलिटी रखी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते रिलैक्स होते हैं। तो जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल करेक्टर है ये एनिमल के अंदर मैंने प्रेजेंट लिखा है, और प्लांट के अंदर जो है ना टिश्यूज़ तो होते हैं लेकिन प्लांट के अंदर कोई मस्कुलर टाइप जो है ना मसल टाइप टिश्यूज़ नहीं होते हैं। तो प्लांट के अंदर जो है ना कॉन्ट्रैक्टाइल का जो करेक्टर है वो क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। उसके बाद मैंने और एक और करेक्टर लिखा है कंडक्टाइल। कंडक्टाइल वर्ड जो है ना ये निकला है कंडक्ट से, कंडक्ट मतलब कोई चीज़ ट्रांसफ़र होना। जैसे हमारे बॉडी में मैसेज कंडक्ट होते हैं, मतलब कोई भी हम कोई कलर्स देखते हैं तो हमारी आइज से मैसेज कंडक्ट होता है ब्रेन से, या कोई चीज़ सूंघते हैं तो स्मेल का जो मैसेज है कंडक्ट होता है ब्रेन तक, या हमारा स्किन किसी गर्म चीज़ पे टच होता है तो ब्रेन तक जो है ना मैसेज कंडक्ट होता है। लेकिन इस तरह प्लांट के अंदर कंडक्शन जो है ना ये एब्सेंट होता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल और कंडक्टाइल दोनों प्लांट के अंदर एब्सेंट है और एनिमल के अंदर क्या है प्रेजेंट है। उसके बाद एग्जांपल की तरफ आते हैं। देखो यहाँ पर कुछ जो है ना जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, आप ये ना समझे कि मतलब ये जो प्लांट ये तो प्लांट के अंदर गलत है, क्योंकि पुरानी क्लासिफिकेशन गलत थी। फिर तो तभी तीन किंगडम क्लासिफिकेशन कर दी गई, फिर चार किंगडम कर दी गई, और अल्टीमेटली पाँच किंगडम क्लासिफिकेशन करने के बाद भी एक बायोलॉजिस्ट था विटेकर नाम था, तो 1969 में उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। लेकिन उसके बाद लोगों को लगा कि ये जो विटेकर क्लासिफिकेशन है इसमें भी कुछ मिस्टेक्स है। फिर दो और बायोलॉजिस्ट आए, एक का नाम था मार्ग्यूलस और एक का नाम था श्वार्ड, फिर उन्होंने और इसके अंदर जो है ना कुछ तब्दीली कर दी। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं इसमें बहुत मतलब मसले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सर ये कैसे हो सकता है कि मतलब प्लांट के अंदर बैक्टीरिया भी रखा जाए। तो ये पुरानी क्लासिफिकेशन थी, आपने जस्ट इसको सब पढ़ना है और मतलब इसको ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है, कॉन्सेप्ट आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास है बैक्टीरिया है, ठीक है, एल्जी है, फंजाए है, और ये चार मैंने ग्रुप्स लिखे हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सारे प्लांट्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है। हम ये जानते हैं कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मेन पॉइंट है ये जो क्लासिफिकेशन जिस पे हम पढ़ रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है वो प्लांट्स है, जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है वो एनिमल है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, मतलब 99% बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है। सिर्फ एक बैक्टीरिया है दुनिया में जिसको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, बाकी जितने भी बैक्टीरिया सबके अंदर सेल वॉल होती है। तो ये बात तो सही है, एलजी के अंदर भी सेल वॉल होती है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है, और ये चार ग्रुप से ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इनके अंदर तो जाहिर बात है प्लांट है तो सेल वॉल तो होगी, ठीक है। तो ये इनकी एग्जाम्पल हुई। उसके बाद हमारे पास जो एनिमल किंगडम्स है यहाँ पर तीन एग्जाम्पल मैंने लिखे, इनवर्टिब्रेट्स। आपको पता है कि एनिमल्स में टू टाइप्स एनिमल होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है। तो यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स की मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे टैप वॉर्म है, ठीक है, राउंड वॉर्म है, अर्थ वॉर्म है, स्नेल है, और इंसेक्ट्स है, और भी जेली फिश है, ऑक्टोपस है, ठीक है, लिवर फ्लूक है, लीच है, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे। उसके बाद इस किंगडम के अंदर उस टाइम प्रोटोजोआ को भी रखा गया था। प्रोटोजोन जो होते हैं ना यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामेशियम है, ठीक है, और जैसे प्लाज्मोडियम है, उनको भी इस किंगडम के अंदर रखा गया था। और इसके अलावा वर्टिब्रेट्स भी इस किंगडम में थे, जैसे फिशेज है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, बर्ड्स है, मैमल्स है, तो वो इस ग्रुप में रखे गए थे, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन।